आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहे सुरेश रैना ने अब बीसीसीआई से कर दी है या बड़ी अपील, जानिए क्या है बड़ी खबर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्पोर्ट एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आखिरकार सुरेश रैना ने अनसोल्ड रहने के बाद बीसीसीआई से क्या बड़ी अपील की है और क्या दिया है बड़ा बयान। तो दोस्तों पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे और अगर आप भी सुरेश रैना की सीएसके टीम में वापसी चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सुरेश रैना की बड़ी अपील। दोस्तों मेगा ऑक्शन के दौरान सबसे ज्यादा हैरानी उस वक्त हुई जब मिस्टर आईपीएल यानी कि सुरेश रैना का नाम सामने आया और किसी भी फ्रेंचाइजी ने उनको खरीदने के लिए हाथ नहीं उठाया। आईपीएल 2022 के लिए सभी फ्रेंचाइजी ने अपने खिलाड़ियों को दिल खोलकर पैसा लुटाया है। आईपीएल 2022 के लिए 200 टीमों ने 203 खिलाड़ियों को खरीदा है, इनमें से 66 विदेशी खिलाड़ी शामिल है। मेगा ऑक्शन में सभी टीमों ने कुल 5,49,70,00,000 रूपए खर्च किए हैं, लेकिन मेगा ऑक्शन के दौरान सबसे ज्यादा हैरानी उस वक्त हुई जब मिस्टर आईपीएल नाम सामने तो आया लेकिन किसी भी फ्रेंचाइजी ने उनको खरीदने के लिए हाथ नहीं उठाया। उम्मीद की जा रही थी कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग टीम सुरेश रैना को जरूर खरीदेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आईपीएल 2022 में मिस्टर आईपीएल यानी कि सुरेश रैना खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। मेगा ऑक्शन के बाद सुरेश रैना ने बीसीसीआई से एक अपील की है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। तो आइए जानते हैं उस वीडियो के बारे में। दोस्तों आईपीएल 2022 के लिए मेगा ऑक्शन में किसी भी टीम के द्वारा न खरीदे जाने के बाद सुरेश रैना ने बीसीसीआई से अपील की है कि बीसीसीआई उन खिलाड़ियों को बाहरी लीग खेलने की अनुमति दे दे जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट लीग नहीं खेले रहे हैं। सुरेश रैना ने कहा है कि बिग बैश लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, श्रीलंका लीग जैसे इंटरनेशनल लीगों में भी आईपीएल में अनसोल्ड रहे खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए और बीसीसीआई इसकी परमिशन देनी चाहिए। दोस्तों देखना यह होगा कि क्या सुरेश रैना की बड़ी अपील बीसीसीआई मानती है कि नहीं। दोस्तों हम आपको बता दें कि भारतीय खिलाड़ियों को विदेशी लीगों में खेलने का मौका नहीं दिया जाता और बीसीसीआई इसकी परमिशन नहीं देता है, जिसकी वजह से सुरेश रैना ने अपील की है। दोस्तों सुरेश रैना की आईपीएल करियर पर नजर डालें तो सुरेश रैना आईपीएल में 205 मुकाबले खेले हैं, इस दौरान उनके बल्ले से 5528 रन निकले हैं। आईपीएल में सुरेश रैना के बल्ले से एक शतक भी निकला है, इसके साथ ही सुरेश रैना 39 शतक भी जड़े हैं। तो दोस्तों आज के अपडेट में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या बीसीसीआई को विदेशी लीगों में भारतीय क्रिकेटरों को खेलने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं, आप अपनी व्यक्तिगत राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें तथा क्रिकेट जगत की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।